याद आज रखो हम जाएंगे बागेश्वर धाम बालाजी सरकार श्री हनुमान जी महाराज वो दिव्य शक्ति है भागवत और दिव्य जिनके लिए कहा कवन सुखाज तो वीडियो के माध्यम से कठिन जग आज हम बताएंगे आपको कि जाने का रास्ता और कैसे पेशी लगाते हैं कैसा पर्चा बनवाते हैं। तो फ्रेंड मैं भगवान बागेश्वर धाम सरकार से संबंधित वीडियो लेकर आता रहता हूँ इसी चैनल पे। छत्र छाया तो आप में जो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मन में राम नाम का जप करो दोस्तों के साथ या आज के दरबार की यात्रा को सन्यासी बाबा के साथ अपना ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। तो फ्रेंड हम आज ए टू जेड पूरी जानकारी देंगे जाने से लेकर वहाँ पर्चा और सब कुछ हम जानकारी देंगे आपको। अगर आपको आवश्यक है मंगल या शनिवार की पेशी करना जिनका पर्चा बन जाए उन्हें मंगलवार की पेशी करना है जिनका पर्चा ना बने उन्हें शनिवार की पेशी करना है। आप पाएंगे कि आप जो समस्या लेकर के आए हैं उसका रास्ता खुलने लगा है। मन में राम नाम का जप करना है पेशी करना अनिवार्य है। एक सर्वविदित सूचना बहुत बार दे चुके फिर दे देते हैं हमसे मिलने के लिए हमसे बात करने के लिए या टोकन नंबर लेने के लिए किसी भी प्रकार का शुल्क फीस दक्षिणा किसी भी शिष्य को सेवादार को धाम पर ना दें। दरबार पूर्णतया निःशुल्क था है जब तक प्राण रहेंगे तब तक निःशुल्क रहेगा। फ्रेंड्स हम पंडाल तक पहुंच चुके हैं देख सकते हैं आप यहाँ बहुत भारी संख्या में भीड़ लगी हुई है और पंडाल के एकदम बाहर से देख सकते हैं आप ये पूरा ग्राउंड भरा हुआ है और सामने आपको तीन पंडाल दिख रहे हैं वो तीनों पंडाल भी एकदम भरे हुए हैं। इसमें VIP एंट्री है और जिनके पास एंट्री कार्ड है वही उसके अंदर बैठ सकते हैं बाकी लोग जो हैं वो बाहर से देखेंगे। तो फ्रेंड चलिए हम आपको पूरा व्यू दिखाते हैं। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा और बेल आइकन दबाइएगा जिससे आने वाली वीडियो आपको वो मिस ना हो। चलो फ्रेंड देखते हैं सही नहीं है तो क्या ग्राउंड में होने का परमात्मा जिला को अरे भाई परमात्मा ने बनाया बोले फिर इस नगर को किसने बनाया व्यक्ति बोला परमात्मा ने बोले इस नगर में रहने वाले लोगों को किसने बनाया बातें छोड़ो सबको परमात्मा ने बनाया सब परमात्मा का है। ये देश नगर जितने भी संसार में जो दिखाई पड़ रहे हैं सब कुछ परमात्मा का है। परमात्मा ने कहा तो हम भी बोले डाल अंगूठे तुम्हें समझाना था क्या ज्ञान से ज्यादा श्रेष्ठ भक्ति भक्ति से ये ज्ञान होता है कि परमात्मा ही सब कुछ है लेकिन ज्ञान से अभिमान बना रहता है। भक्ति में ज्ञान नहीं जानकर अगर भक्ति में होता है ऐसे मन से देख नहीं हरार दिखाया था नहीं।
वृंदावन तुलसीदास जी महाराज गए
यहाँ तो वृंदावन सीताराम तो यहाँ कोई कहते नहीं, तुलसी जाए तो सीताराम माँ, यहाँ कोई सीताराम कहते ही नहीं। तुलसीदास जी मन में कहने लगे, वृंदावन ब्रज भूमि में कहा राम सोवे, राधा राधा रस से आस धास के हरि रे। तुलसीदास जी बोले हद हो गई, मगर मैं राधा राधा रस से क्या किया जाए, सीताराम जपने वाले भी बेकार होने चाहिए। तुलसीदास मन में सोच लिया के सामने मंदिर मंदिर का ठाकुर जी का ठाकुर इन्होंने प्रणाम किया, जैसे प्रणाम किया तो वहां के जो पुजारी थी उन्होंने कहा राधे राधे बाबा। तुलसीदास जी बोले जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम। तो पुजारी जी ने बड़े विनोद में हंस करके कहा, अपने अपने इष्ट को अपने अपने इष्ट को नमन करे। अपने परमात्मा को प्रणाम करना चाहिए, अगर जो अपने परमात्मा के अलावा दूसरे को प्रणाम करता है तो मूर्ख हो। भले बने हो ऑटो लेवल की है तो ये है।
Thank you.
बैठ जाओ। इतनी लाइट के लगा दी जा रही लगी जा तो मैं हमें दुआ पर भैया ठाकुर जी को जोर से बोलो। कई लोग प्रश्न करते महाराज जी राधा जी से भगवान ने विवाह नहीं किया, रुक्मणी जी से किया। बात बहुत अच्छा है, प्रश्न बहुत अच्छा है। देखो विवाह दो लोगों में होता है, दो लोगों में ही विवाह हो सकता है। एक में मतलब सभा सा है, राधा और कृष्ण दो होते तो इनका विवाह होता। राधा ही कृष्ण है और कृष्ण ही राधा। हमारी श्री भगवानी जी जो ठाकुर जी नहीं सुनते सोई ठाकुरानी जी से अरदास लगाओ। एक मोर था, मोर 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 दिन रात हे माधव हे मुरारी हे गोपाल हे नंदनंदन हे यशोदा नंदन पुकारता रहा लेकिन नहीं सुना। एक महात्मा ने कान में बढ़िया बात कही, मोर पहुंचा एक महात्मा के पास, महाराज इतने दिन हो गए भजन करते करते ठाकुर जी ने हमारी तरफ देखा तक नहीं है, नास्तिक मत बनो। क्या उपाय महाराज? एक का तुम वृंदावन पर बैठ करके जोर जोर से श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा जी हे सुभान दिवाली जी हे कहां से आए हो, क्या परिचय है? सोई मोर की आंखों से आंसू बहने लगे, भैया हम यहाँ नहीं, हम कहेंगे ना परिचय बताएंगे। बोले क्यों? बोले जिनके नाम के कारण तुम दौड़े चले आए अब तो हम बरसाने वाली के ही शरण में रहेंगे। इतने दिन जाने क्या क्या पुकारते रहे, आज तक न सुनी तुमने, अब हम तुम्हारी नस पकड़ गए। कृष्ण कृष्ण कहत ही मैं सुनी घनश्याम राधा नाम सुनत ही आए गले मिले घनश्याम। आकर आप गले मिले भगवान की आंखों में आंसू आ गए। उसी दिन भगवान ने मयूर का एक पंख लिया अपने सिर पर लगा लिया और भगवान का एक नाम मोर मुकुट वाले भगवान छलिया ठाकुर हो गए। मोर मुकुट धारण कर लिया। भैया जिस नाम को तुम अपने मुख से लेते हो बड़ा अद्भुत नाम है, तो भैया राधा नाम कैसा नाम है कि ठाकुर जी नाम ही सुने तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो कैसे समझो, माता जी पिताजी से एक गलती ने कहा माँ बाप का अर्थ बताइए। तो माँ बाप का अर्थ क्या है, माँ का अर्थ क्या है? देखो वैसे तो माँ शब्द की कोई व्याख्या नहीं है, पर हम एक आपको बढ़िया उदाहरण बताते हैं। माँ किसे कहते हैं? जिसके सामने जाते ही मुंह खुल जाए, माँ सब बातें मुंह से निकलावे वो है माँ, जिसको देखते ही मुंह बंद हो जाए बाप। निज अनुभव करके समझिएगा, जितनी भी यहाँ पर बेटा बेटियां बैठी है पिताजी से ज्यादा की बोल पाते हैं, खोल रहे हैं माता। लेकिन माता जी मुझे बता देते, माता जी हमने ऐसा कह दिया, सोई माता जी कह देते ठीक है चिंता न कर, हम पिताजी को समझा देते, पिताजी को वो समझा भी देते हैं बच्चा कुछ बोलना। माँ का मतलब जिसके सामने मुंह खुल जाए, बाप का मतलब जिसको देखते ही मुंह बंद हो जाए। कोई काम बढ़िया करवाना हो तो माता जी से व्यवस्था कर लो, सेटिंग माता जी को मना लो, सोई माता जी पिताजी को मना देते हैं। जी अना जी बोलो जरा, हाँ जी अना जी बात अगर बात पिताजी से करवानी हो तो माता जी को पहले बना दे।
कोई माता जी पूरी बढ़िया ऐसी तीन दिन जमा देती है कौन सब लगा के आए ऐसे ही श्रीमद् भागवत रूपी सदग्रंथ की वार्ता है, श्री मद्भागवत की कथा है तो ठाकुर जी की, लेकिन ठाकुर जी का भागवत ठाकुर जी की भागवत भी बिना श्री के प्रारंभ नहीं है, और यही श्री श्री किया जाए श्रीमान लक्ष्मी और लक्ष्मी जी चल भाई यहाँ खड़े हो तो आत्मदो नामक ब्राह्मण की भी जो पत्नी थी कुंडली देवी, वो भी बड़ी विचित्र, ब्राह्मण तो बड़े सीधे, इनके घर पर ये विचित्र स्थिति ये थी कि कोई भी संतान गाय लाते थे तो गाय बच्चे नहीं देती थी। एक दिन ब्राह्मण ने विचार किया, इस संसार में हमारा कोई नहीं है, जीने का कोई मतलब भी नहीं, क्योंकि लोग हंसते भी हैं, लोग तमाशा भी देखते हैं। मन में चिंता हुई क्या किया जाए, मरने जाए तो जंगल में मरने के लिए वन में गए, एक पेड़ के नीचे रोते हुए बैठे थे, अपने कर्म पर अपने धर्म पर रो रहे थे। हे भगवान, हमने ऐसा कौन सा अपराध किया कि हमारे कोई भी संतान नहीं है। महात्मा ने देखा आंखों से आंसू आ रहे, लगता कोई भगवान का भक्त है, इस जंगल में भक्त ही बैठा होगा। महात्मा पहुंच गए, अरे पंडित जी सीताराम जी महाराज, सीताराम लिए रो रहे हो, बड़े धर्मात्मा नजर आ रहे हो। पंडित जी बोले महाराज भगवान के लिए नहीं रो रहे, अपने भाग को भाग पर क्यों रो रहे महाराज, अपने भाग को बोलते हैं। खड़े हो रहे हैं हम लोग, खतरनाक भगवान जी बचा रहे हैं।
सर्दी जुकाम का नहीं दो गेट है ना जी देख रहे पार्किंग में सिंपल डिवाइडर लगे थे चला गया ना याद रखो श्री हनुमान जी महाराज वो दिव्य शक्ति है जिनके लिए कहा कवन सुकाज कठिन जग माही जो नहीं हो हितात तुम ऐसा कौन सा काम है जो कठिन हो भगवान आप सब इस छत्र छाया में जो विराजमान है बागेश्वर प्रांगण के मन में राम नाम का जप करो आज के दरबार की यात्रा को सन्यासी बाबा के चरणों में निवेदन करते हुए प्रारंभ करते हैं आप सब जिनकी अर्जी लग जाए जिनकी ना भी लगे सामूहिक अर्जी लग जाए उन्हें सबको लहसुन प्याज मांस मंदरा बंद करना आवश्यक है मंगल या शनिवार की पेशी करना जिनका पर्चा बन जाए उन्हें मंगलवार की पेशी करना है जिनका पर्चा ना बने उन्हें शनिवार की पेशी करना है आप पाएंगे कि आप जो समस्या लेकर के आए हैं उसका रास्ता खुलने लगा है मन में राम नाम का जप करना है पेशी करना अनिवार्य है एक सर्वविदित सूचना बहुत बार दे चुके फिर दे देते हैं हमसे मिलने के लिए
हमसे बात करने के लिए या टोकन नंबर लेने के लिए किसी भी प्रकार का शुल्क, फीस, दक्षिणा किसी भी शिष्य को, सेवादार को धाम पर ना दें। दरबार पूर्णतया निःशुल्क था, है, जब तक प्राण रहेंगे तब तक निःशुल्क रहेगा। बागेश्वर धाम सरकार की बहुत सारी वीडियो आप इसी चैनल में प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, और अधिक जानकारी के लिए और नए वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे आने वाली वीडियो आपको मिस ना हो, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करें ताकि वो भी अपनी अर्जी लगा सकें। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना मिस नहीं करिएगा, जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उसको दबा दीजिएगा ताकि आपको नई वीडियो जैसे डले आपको सबसे पहले मिले, और कमेंट करके बताइएगा कि आपका इस वीडियो में क्या राय है और कैसा लगा। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। आज के दिन पे यहाँ पे कम से कम 7 से 8 लाख भक्तगण आए हुए थे, तो बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, और यहाँ पे भंडारे भी 24 घंटे चलते रहते हैं, और भक्तगण को रुकने के लिए, ठहरने के लिए उत्तम व्यवस्थाएं की गई है, ज़्यादा से ज़्यादा हैं। तो फ्रेंड मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू फ्रेंड्स। शाम हो चुकी थी इसलिए हम वहाँ से आ चुके हैं। कथा तो ऐसे 8 बजे रात तक चलती है, किसी दिन 6 बजे तक चलती है, तो शाम होने के कारण हम घर की ओर रवाना हो चुके हैं। बाकी की वीडियो हम आपको इसी चैनल में अपलोड हो जाएगी, तो आप देख सकते हैं। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, सब्सक्राइब करने के लिए बेल बटन पर क्लिक करना है और बेल आइकन दबाना है।